नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में चौमू निवासी चारों मृतकों के पार्थिव शरीर को आज पूजा एक्सप्रेस के जरिए जयपुर लाया गया। पार्थिव शरीर को लाए जाने के बाद मृतकों के परिजनों की तरफ से सरकारी नौकरी और आर्थिक मुआवजे की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों ने मांग की है कि कन्हैया लाल हत्याकांड मामले की तर्ज पर मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी और आर्थिक मुआवजा दिया जाए। मृतक के परिजनों से सांसद राजेंद्र गहलोत ने धरना उठाने की मांग को लेकर बात की है, लेकिन सरकार और परिवार के बीच सहमति नहीं बन पाई। आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में चौमू निवासी राजेंद्र सैनी, उनकी पत्नी ममता सैनी, भाई की बेटी पूजा सैनी और 2 साल के बेटे लिवांशु सैनी की मौत हो गई थी। और साथ ही हमले में मृतका पूजा सैनी के पति पवन सैनी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पवन सैनी को भी इसी ट्रेन से वापस जयपुर लाया गया है। और धरना स्थल से हमारे सहयोगी मुबारक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुबारक, परिजनों की तरफ से जो मांग उठाई गई है, क्या उसको लेकर सरकार की तरफ से कोई बातचीत और सहमति बन पाई है? आप सब लोग भी बैठ जाओ, खड़े अभी कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर बैठे हैं। जी शिवानी, देखिए ये घाटी में आतंकवादियों का हमला था जहाँ चोमू के जो 4 लोग थे उनकी डेथ हो चुकी है, मौत हो चुकी है, और उसी के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं परिवार के लोग, और धरना दे दिया है उन्होंने। यहाँ आप देख सकते हैं भारी संख्या में परिवार और समाज के लोग यहाँ मौजूद है, और पूरी तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बनाने का यहाँ प्रयास है कि जो कन्हैया लाल को पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय जो मुआवजा दिया गया था कन्हैया लाल के परिवार को, वही मुआवजा इस परिवार को भी दिया जाए। हमारे साथ चोमू विधायक शिखा मील है। शिखा मील, क्या लगता है मैम, यहाँ अब धरना प्रदर्शन हो रहा है और सरकार से किस तरह की वार्ता अब तक हो पाई? देखिए, अभी हमारे पास सरकार के नुमाइंदे हमारे SDM साहब आए थे और उन्होंने सरकार का प्रपोजल रखा था कि वो J&K की राशि को भी इसमें शामिल करना चाह रहे हैं और मुख्यमंत्री जो दुर्घटना बीमा योजना है उसकी राशि को भी ये इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री दुर्घटना योजना को मिला के सरकार की तरफ से ये चाह रहे हैं कि 15 लाख पर पर्सन, जो हम लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमने उन्हें वापस बोला है कि आप सरकार से बात कीजिए और जो भी अगर आपका कुछ बेटर प्रपोजल आता है तो हम फिर उसे कंसिडर कर सकते हैं। फैमिली इस चीज़ पर राजी नहीं है। नौकरी के लिए भी बातचीत चल रही है? नौकरी के लिए भी बातचीत चल रही है और हम चाहते हैं तीनों ही बच्चों के लिए को नौकरी दी जाए। तो अभी उसमें 2 जो लोग हैं वो 18 साल से ऊपर हैं, एक अभी 16 साल का है, पर उसके लिए भी आज अगर वो नौकरी नहीं जा सकता पर जब भी वो एडल्ट हो तो उसे नौकरी दी जाए। तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं और हम सरकार को बाधित करेंगे कि वो ये मांगे माने, क्योंकि ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है बिल्कुल। पिछली बार जब गहलोत सरकार यहाँ थी उस समय कन्हैया लाल वाला मामला जब हुआ तो तुरंत 50 लाख रुपए दिए गए, सरकारी नौकरी दी गई, अब देरी क्यों हो रही? देखिए, हमारी मांग है कि कम से कम आप उस एग्जाम्पल को भी फॉलो कर लीजिए कि लोगों को धरने पे नहीं बैठना पड़ता, और आप कन्हैया लाल वाला पैकेज अगर हमारे लिए पहले ही घोषित कर देते तो शायद इतने लोगों को भी इतनी व्यथा नहीं झेलनी पड़ती और अभी तक हम दाह संस्कार भी कर चुके होते, क्योंकि इस टाइम सभी लोग मन से टूटे हुए हैं। पर सरकार देखिए क्या इस पर रिकंसिडर करती है। कन्हैया लाल जी वाला भी वो अगर हमें मिल जाता है तो हम उस पर सोच सकते हैं। अभी आपकी कलेक्टर साहब से बात हुई, क्या बातचीत हुई? उनसे यही बातचीत हुई, वही मैंने कन्वे किया जो हम सब लोगों ने SDM साहब को कन्वे किया था कि ये वाला ऑफर हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं है और स्वीकार्य जो परिवार को होगा, जो उन्हें लगेगा हाँ ये बच्चों को सहारा दे सकता है, उस पर हम लोग बिल्कुल एग्री हो जाएंगे। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या जो आपका धरना है वो जारी रहेगा? आप देखिए लोगों में कितना रोष है और ये लोग अपना काम धंधा सब छोड़कर यहाँ बैठे हैं, तो ये लोग अगर 1 दिन 2 दिन 5 दिन भी बैठना पड़े तो भी यहीं पे जमे रहेंगे। देखिए शिवानी, आप देख सकते हैं कि कितना उग्र एक तरीके से आंदोलन ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह की घटना यहाँ हुई है और 20 दिन पहले भी एक ऐसी घटना घाटी में हुई थी जहाँ जयपुर के एक परिवार को गोलियां मारी गई, और अब फिर एक 20 दिन बाद फिर से एक ऐसी घटना हुई जहाँ 4 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। शाहपुरा विधायक जो है मनीष यादव भी पहुंच चुके हैं। मनीष भाई, आप धरने में पहुंचे हैं, किस तरह का, क्योंकि घाटी में इस तरह की दूसरी ये घटना है जहाँ इस बार चोमू का ही परिवार उसका शिकार हुआ है। देखिए, जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं देश में हो रही है और जब सरकार बार बार ये कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और अभी तक कोई नुमाइंदा जिस प्रकार से सुन नहीं पा रहा है परिवार की पीड़ा को, तो देश में ऐसी घटनाएं शुरू से हमेशा से निंदनीय रही है और सरकार ने मुंह तोड़ जवाब हमेशा से दिया है, भले ही सरकार कोई भी हो। हमारी डिमांड है कि जो पीड़ित परिवार है, क्योंकि 4-5 लोगों का एक साथ चले जाना, उस परिवार के साथ कैसा बीत रहा होगा, पूरे सब लोगों की जो, क्योंकि आज पूरे देश का ये विषय है, ये किसी एक परिवार का विषय नहीं है, उस परिवार के साथ आज हम खड़े हैं और उस परिवार के
के लिए हम न्याय की मांग कर रहे हैं, जिसमें हमारे चोमू और आसपास के सारे जनप्रतिनिधि और पूरी आम जनता यहाँ पर आई है कि इनके साथ न्याय हो, इनको जो सरकार की तरफ से जो भी सहयोग हो, और इसमें इतना विलंब नहीं होना चाहिए था, इतनी देरी। मनीष भाई, देरी का कारण क्या मांग रहे हैं? इससे पहले जब घटना हुई तो तुरंत नौकरी और पैसा दिया गया था। मुझे लग रहा है कि सरकार का ध्यान जो है वो अपनी व्यस्तता में है। सरकार, कोई मंत्री अपना मंत्रालय का जो अपना पदभार ग्रहण में लगे हुए हैं, कुछ लोग सब अपने अपने काम में लगे हैं, देश के सुरक्षा के विषय में किसी का ध्यान नहीं है। और मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से आज चिंता होनी चाहिए थी सरकार को, वो भले ही प्रदेश की सरकार हो भाजपा की या केंद्र की सरकार हो, किसी ने ऐसी तत्परता नहीं दिखाई। इसलिए क्योंकि ऐसे समय में, जब ऐसे गमगीन माहौल में, जब जनता को मुझे तो लगता है कि सरकार को कभी ऐसा मौका ही नहीं आने देना चाहिए था, लेकिन सरकार केवल अपनी राजनीति में व्यस्त है मुझे लग रहा है कि, और ये आप देख भी रहे हैं कितने, आज तीसरा दिन है, तो ऐसी परिस्थिति में आज देश में एक ऐसा वातावरण बना हुआ है और पीड़ित परिवारों को ऐसे बैठना पड़ेगा, किसी ने सोचा भी नहीं था कि आजाद भारत में हजारों लोग आतंकवादी घटना के बाद में अगर किसी सरकार से न्याय की गुहार करेंगे। पहला उदाहरण मुझे नजर आ रहा है। मैं सरकार से डिमांड करता हूं, हमारे सारे लोग जो यहां बैठे हैं, सब लोगों की डिमांड है कि परिवार के साथ न्याय करें, उचित न्याय दे परिवार को, जो भी क्योंकि अब वो क्षतिपूर्ति तो उनकी नहीं हो सकती, लेकिन जो पीछे परिवार में है, जो उनके लोग हैं, उनको संबल मिले, और ये सब लोगों की मांग है। हम मजबूती से परिवार के साथ डटे हैं, किसी भी स्थिति तक हमको बैठना पड़े, कब तक बैठना पड़े, सरकार इस बात को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द तत्परता दिखाते हुए हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ और देश के लोगों के साथ न्याय करने का काम करे। देखिए शिवानी, ये थे विधायक जो है मनीष यादव, वो भी इस धरने में पहुंच चुके हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह लगातार इस धरने में लोग बढ़ते जा रहे हैं। आसपास के इलाकों के तमाम जो लोग हैं, तमाम जो समाज के लोग हैं और तमाम जो परिवार के लोग हैं, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे धरना जो है वो लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और जो परिवार की मांग है वो अब तक यथावत है, सरकारी नौकरी और आर्थिक मुआवजे की मांग ये परिवार कर रहा है।